दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों बहुत लोगों ने मेरे सवाल किया था कि सर जो कंक्रीट यानी जो हम छत ढलाई के लिए, कॉलम ढलाई के लिए, बीम हो गया, फुटिंग हो गया, उसके लिए जो हम मसाला बनाते हैं, चाहे M20 ग्रेड का बनाएं या फिर M25 ग्रेड का बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि पानी हमें कितना मिलाना चाहिए। अब जैसा आपने देखा होगा कि छत की ढलाई होती है, कॉलम की, बीम की ढलाई होती है, तो वो हम क्या है कि हमारा जो मिक्सिंग मशीन होता है यानी जो ठेकेदार या मिस्त्री होता है उनके भरोसे छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से वो वहाँ पे कितना बालू मिलाना है, कितना एग्रीगेट मिलाना है, कितना सीमेंट मिलाना है, वो मिलाते हैं फिर ढलाई कर देते हैं और हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कि आप अगर M20 ग्रेड का या M25 ग्रेड का, अक्सर यही दोनों ग्रेड हम अपने ढलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आपको कि एक बोरी का अगर आप मसाला बनाते हैं तो उसमें कितना आपको पानी मिलाना चाहिए। देखिए होता क्या है कि मिस्त्री और ठेकेदार क्या होता है कि वो अपने हिसाब से मिक्सिंग करते हैं, वो क्या करते हैं कि उनका काम जल्दी हो वो उसमें ज़्यादा पानी मिला देते हैं, क्योंकि कोई भी आप मिक्सिंग करते हैं, कंक्रीट का मसाला बनाते हैं तो उसमें आप पानी मिला दीजिएगा तो मसाला जो होता है फैलाने में बहुत आसानी होता है। तो वो अपने काम को, टाइम को बचाने के लिए, मेहनत को बचाने के लिए, लेबर को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, पानी का क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं। पानी का क्वांटिटी ज़्यादा मिला के वो तो टाइम अपना सेव कर लेते हैं, लेकिन जो मकान मालिक होते हैं, जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है, जो आपकी छत की मजबूती होनी चाहिए, कॉलम की मजबूती होनी चाहिए, वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए आपको, चाहे आप एक ठेकेदार हैं, मिस्त्री हैं, मकान मालिक हैं या फिर फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमें किस मिक्सिंग में, एक बैग अगर सीमेंट का मसाला बना रहे हैं तो हमें कितना पानी उसमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं आपको वीडियो डिटेल में समझाता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर आप RCC का यानी ढलाई के लिए आप मसाला बना रहे हैं तो उसमें कितना पानी मिलाना है, और वहीं आप PCC का, जैसे कि हम फुटिंग के नीचे PCC अपने डालते हैं या बहुत जगह PCC डालते हैं, तो उसमें हमें कितना पानी मिलाना है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि वाटर कैलकुलेशन यानी कि जो हमें पानी कितना लगेगा हमारे मसाला बनाने में, यानी कि कौन से ग्रेड का, जैसे आप देख रहे हैं M7.5 है, M10 है, M15 है, M20 है, M20, मतलब किस ग्रेड में कितना पानी लगेगा, उसका वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा और उसमें हमें मिनिमम कितना सीमेंट लेना है। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में अभी बताने वाला हूँ, आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊँगा कि आपको कितना उसमें पानी लेना है, किस ग्रेड का मसाला बनाएंगे। तो उसके पहले देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो मैं ये बता रहा हूँ ये हमारा IS स्टैंडर्ड कोड जो है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया गया है। IS स्टैंडर्ड कोड 456/2000 के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ और उसी के आधार पे ये निकाला गया है कि आपका जो पानी है, पानी कितना मिलाना है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो कंक्रीट का ग्रेड होता है वो क्या है, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में ये निकालूंगा। तो जैसा आप यहाँ पहले ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं, तो इसमें भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए IS स्टैंडर्ड कोड 456/2000 के हिसाब से ये बताया गया है यहाँ पर ग्रेड के हिसाब से कि हम उस कितने ग्रेड का मसाला बनाएंगे तो उसमें मिनिमम हमें कितना सीमेंट लगेगा, मतलब कितना सीमेंट, कितना किलो हमें सीमेंट उसमें यूज करना है कम से कम, और उसमें जो पानी का रेशियो होगा वो कितना होगा, तो उसी के हिसाब से मैं ये लिया हूँ फॉर्मेट। तो अब चलिए यहाँ डिटेल में देखते हैं। तो देखो यहाँ आप देख रहे हैं M7.5, ये हमारा क्या है M7.5, ये जो तीन आप देख रहे हैं कि ये मिक्सिंग है M10, M15, ये ज़्यादातर हमारा कहाँ PCC में इस्तेमाल होता है, PCC मटेरियल में हम इस्तेमाल करते हैं। M7.5 का जो रेशियो होता है 1:4:8, यानी एक पार्ट हमारा सीमेंट हो गया, 4 पार्ट हमारा सैंड हो गया और 8 पार्ट हमारा क्या एग्रीगेट हो गया। उसी तरीके से जो इसमें हमारा वाटर सीमेंट रेशियो जो आएगा ये 0.6% हम क्या इसमें पानी डालते हैं, वो आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये इतना आप समझ गए, M10 आपका उसका ग्रेड देख रहे हैं, एक पार्ट हमारा सीमेंट, 3 पार्ट सैंड और 6 पार्ट हमारा एग्रीगेट। वैसे ही तो ज़्यादातर जो है हम कंक्रीट अपना जो अपने छत के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए जो बनाते हैं M20 या M25 का यूज करते हैं, जनरली M20 ही हम लोग यूज करते हैं। तो मैं इसी का एग्जाम्पल लेके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए M20 जो होता है उसका जो मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग रेशियो उसमें क्या है, एक पार्ट हमारा सीमेंट हो गया, 1.5 पार्ट यानी 1.5 पार्ट हमारा क्या सैंड हो गया जो कि हम बालू भी कहते हैं, 3 पार्ट हमारा क्या एग्रीगेट हो गया, रोड़ी जो हो गई, ठीक है। अब इसमें आप देखिए ये है क्या, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। M15 का पहले, M15 में 240 यानी कि क्या है ये 240 मिनिमम क्वांटिटी किसका, सीमेंट का, कम से कम 1 क्यूबिक मीटर अगर आप कंक्रीट बनाते हैं, मसाला बनाते हैं M15 ग्रेड का, तो उसमें मिनिमम आपको कितना 240 kg
सीमेंट यूज करना है। तो 240 केजी और एक बैग हमारा सीमेंट कितना होता है, 50 केजी का होता है। तो आप इसको सिंपली क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपली डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आपका 4 से 4.5 बैग आपका इसमें सीमेंट आ जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 4 बैग लिखा हूँ मैं। वैसे ही जब M20 ग्रेड का आप जो इतना 1 क्यूबिक मीटर आप मसाला बनाएंगे इतने इतने मिक्सिंग में, तो उसमें क्या है, 300 केजी मिनिमम आपको सीमेंट इस्तेमाल करना है। 300 केजी डिवाइड बाई आप 50 कर दीजिए तो लगभग 6 बैग आपको उसमें सीमेंट इस्तेमाल करना है। वैसे ही M25 का जो मिक्सिंग रेशियो होता है, एक पार्ट आपका सैंड हो गया, फिर एक पार्ट आपका यहाँ, एक पार्ट आपका सीमेंट हो गया, एक पार्ट सैंड हो गया, दो पार्ट हमारा एग्रीगेट हो गया, तो उसमें भी आपको कितना मिनिमम कम से कम कितना सीमेंट इस्तेमाल करना है, 6 बैग 300 केजी। और उसका जो वाटर सीमेंट होगा 0.5 होगा, ठीक है। और ये जो M20 का वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो कितना होगा, 0.55 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ज़्यादातर मैं बताया कि M20 ग्रेड का हम सभी जगह इस्तेमाल करते हैं, आपको मैं आगे और भी एग्जांपल देके बताऊँगा। तो ये जो मैं मिक्सिंग बता रहा हूँ, ये जो हम जैसे RCC का काम करते हैं अपना, छत का, कॉलम का, बीम का, वहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि पानी निकालने के लिए हम उसका क्या करते हैं कि पहले जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो था वो हम ले लिए थे, M20 ग्रेड का जो वाटर सीमेंट रेशियो कितना था, 0.55, हमने वो ले लिया 0.55। और हमारा कितना सीमेंट आ रहा था, मिनिमम क्वांटिटी कम से कम कितना हमें सीमेंट यूज करना था, 6 बैग, 6 बैग हमने वो ले लिया। अब वेट ऑफ 1 बैग यानी कि एक बैग का वेट कितना होता है, 50 केजी, हमने वो रख लिया। तो जब तीनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो 165 यहाँ पे केजी आपका वाटर निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा 165 केजी आ गया। अब क्या करना था कि हमें एक बैग में, अब हमारा वाटर सीमेंट निकाल रहे थे तो टोटल हमारा इतना आ गया, तो अब एक बैग में आपका कितना पानी लगेगा, तो आप देख सकते हैं 27.5 केजी यानी कि 27.5 लीटर आपका लगभग पानी लग जाएगा इसमें। आधा लीटर, 1 लीटर ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैसे ही आप देख सकते हैं कि M25 ग्रेड का अगर हम मसाला बनाते हैं तो इसका आप देख रहे हैं जो रेशियो होता है, एक पार्ट आपका सीमेंट हो गया, एक पार्ट आपका सैंड हो गया, दो पार्ट एग्रीगेट हो गया, उसमें मिनिमम 300 केजी यानी 6 बैग आपका सीमेंट लगेगा और वाटर रेशियो 0.5 है। तो वैसे ही हम क्या कर लिए, वाटर रेशियो हम यहाँ पे 0.5 लिख लिए, नंबर ऑफ बैग हमारा कितना लग रहा था, 6 लग रहा था, और वेट ऑफ 1 बैग 50 केजी हो गया। तो टोटल हम कैलकुलेट किए तो 150 केजी हमारा यहाँ पर पानी लग रहा था वाटर, ठीक है। अब क्या है कि एक बैग में हमें देखना है कि कितना लगेगा अगर इस ग्रेड का हम मसाला बनाएंगे, तो 150 डिवाइड बाई आप क्या कीजिए, टोटल आपका जितना बैग लग रहा था उसे डिवाइड कर दीजिए, तो 25 केजी यानी कि लगभग आपका 25 लीटर पानी M25 ग्रेड में एक बोरी का अगर आप सीमेंट बनाते हैं तो उसमें देना है। थोड़ा सा 1-2 लीटर ज़्यादा हो जाए, आधा लीटर 1 लीटर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा RCC का मसाला हम बनाते हैं। तो अगर आप PCC का मसाला बनाते हैं और M15 ग्रेड का आप मसाला बनाते हैं, यानी कि एक पार्ट आप उसमें सीमेंट रखते हैं, दो पार्ट आप सैंड रखते हैं, चार पार्ट एग्रीगेट रखते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको मिनिमम उसमें 240 से 250 बैग यानी कि लगभग आपको 5 बैग उसमें सीमेंट लग जाएगा, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर आप मसाला बनाते हैं तो उसका वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 है। तो अब इसका हम देख लेते हैं कि इसका क्या निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम वाटर सीमेंट पहले रेशियो रख दिए 0.6 और हमारा कितना लगभग 4.5 से 5 बैग लग रहा था, तो यानी 4.5 ले लिया मैं, और वेट ऑफ 1 बैग हमारा सीमेंट कितना 50 केजी था, तो हमने वो रख लिया। तो 135 केजी हमारा पानी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर अगर M15 ग्रेड का हम मसाला बना रहे हैं। तो अब क्या है कि हमें देखना है कि एक बैग में हमें कितना यहाँ पानी लगेगा, तो 135 केजी हमारा वो आया था वो रख लिया, और डिवाइड बाई हमारा कितना 4.5 बैग यहाँ टोटल लग रहा था, तो 4.5 से डिवाइड कर दिया तो लगभग 30 लीटर आपका एक बैग सीमेंट में यहाँ पे 30 से 31 लीटर आप पानी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा।